हर खबर से बाखबर, हमारी ये हर खबर पर नजर। एशियन टीवी न्यूज में आपका हर मकदम है। चंदन गुट्टा के कांग्रेस के उम्मीदवार ईसा बिन उबैद मुसरी ने आज चंदन गुट्टा के इलाके रियासत नगर के अतराफ और अतनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और उन्होंने आवाम से अपील की कि उन्हें चंदन गुट्टे से जिताकर कांग्रेस के हाथ मजबूत करे और चंदन गुट्टे के डेवलपमेंट के बारे में हमारे नुमाइंदे शेख सलीम से बात की। शेख सलीम के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं ईसा मिश्री। आज हमारा पदयात्रा अनमोल होटल से शुरू हुई, रक्षापुरम कॉलोनी, आईटी कॉलोनी, मोइनबाग से होते हुए कुमारवाड़ी कॉलोनी, उसके आगे अब हम रक्षापुरम प्रेजेंट जमाल कॉलोनी रक्षापुरम। ये हम डेढ़ बजे से वहाँ से निकले, अब यहाँ पे हम 6 बजे करीब यहाँ पहुँचे हैं। मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, काफ़ी लोग मेरे को आगे से बोल रहे हैं कि हम आप ही को वोट देंगे। मुझे काफ़ी मसरत हुई, एक एक आदमी से एक एक घर जाके मैं मिला हूँ और कई शिकायतें भी वसूल हुई हैं। उसके अंदर एक मुझे वहाँ के कोई कॉर्पोरेटर मिल गए थे और मैं इनके कॉर्पोरेटर हैं, वो कह रहे थे कि जमात का काम करो, मजहब का काम करो और एक जहती लाओ मजहब के लोगों में। तो मैं उनसे कहा, भाई मैं मजहब का काम नहीं करने के लिए आया हूँ, मैं इंसानियत का काम करने आया हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ देख के एक सबका पहले इंसानियत है, बाद में मजहब है। अगर आप एक मजहब की बात करें तो दूसरा मजहब नाराज, दूसरे मजहब की बात करें तीसरा मजहब नाराज। ये MLA का काम ये होता ही नहीं है कि मजहब की बात करें, सिर्फ डेवलपमेंट की बात करूँगा। डेवलपमेंट के ऊपर आप वोट दीजिए और सिर्फ उससे डेवलपमेंट का काम लीजिए। रहा सवाल ये, और एक वहाँ पे एक शर करने के लिए एक आदमी को भी छोड़ा गया, वो कह रहा था कि मैं MIM का आदमी हूँ और आप ये MIM का एरिया है, इसमें नहीं जा सकते। तो मैं उससे कहा, या जहाँ ईसा मिश्री जाएगा वो उसी का एरिया होगा, कोई MIM का, कोई BJP का, कोई TRS का, किसी का एरिया नहीं है। जहाँ ईसा मिश्री कदम रखेगा वो उसका एरिया है और उसको सेट करके सीधा मैं अपना कैनवेसिंग किया। बस उसके जस्ट आगे जाते ही लोग मुझे मुबारकबादें देना शुरू किए, मुझे आशीर्वाद है। मेरे महिलाएं, मेरे बुजुर्ग हैं जो है घर से निकल के मुझे सर पे मेरे हाथ रख रहे थे, मुझे दुआएं दे रहे थे। मैं बोला, ये अभी कह रहा था कि MIM का एरिया है, ये तो सब बकवास बातें हैं उन लोग की। आप मेरा साथ दें, इंशाल्लाह जीत वो भी ऐसी जीत होगी, तेलंगाना में इसकी मिसाल दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोगों से इनकी बातों में आप मत आए, सिर्फ डेवलपमेंट का काम अगर चाहते हैं तो आपके भाई को जिताएं। आपके भाई के जो प्रोग्राम्स हैं एकदम अप टू डेट है, आपके बीच रह के काम करेगा। आधा हो रही है, अब मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। हम लोग निकले 1:30 बजे के टाइम आफ्टर जुमा, वहाँ से मोइनबाग, कुमारवाड़ी कॉलोनी और SRT कॉलोनी, वहाँ से होते हुए रक्षापुरम और वहाँ से बरहाल हम अब रक्षापुरम में पहुँचे हैं। हाँ, मुझे बड़ी मसरत हुई वहाँ के लोगों से मिलकर कि वो लोग आगे से कह रहे थे कि ईसा मिश्री अब हम आपको वोट देंगे, आपके तब्दीली लाएंगे। लेकिन तब्दीली इस वजह से लाएंगे, कई शिकायतें उनकी किए हैं कि यहाँ MLA आने का जो है ना कुछ एक रोड रहती है, उसी रोड पर आता है, उसी रोड से जाता है, कभी हमारे घरों तक भी नहीं पहुंचा है। वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह होगी, मगर लोग आगे से मुझे ये वादा दिए हैं कि हम आप ही को वोट करेंगे। उसमें एक दो चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, एक कॉर्पोरेटर को भी मैं जो है ना मुझे वोट देने के लिए कह दिया, क्योंकि मैं नहीं पहचानता हूँ कौन है। तो मेरा हाथ पकड़ लिए, बोले आप ये क्यों कर रहे हैं, आप जो है जमात का साथ दीजिए, मुसलमानों की यकजहती का साथ दीजिए, मुसलमानों की को मजबूत कीजिए। तो मैं बोला, मैं सिर्फ इंसानियत का साथ दूंगा, मैं इंसानों का साथ दूंगा, मैं डेवलपमेंट का साथ दूंगा, मैं ये फिरका परस्ती की बात कभी नहीं करूंगा। इसी वजह से मैं कांग्रेस में आया हूं कि मैं एक सेकुलरिज्म के साथ साथ अपने आप को एक इंसानियत का खादिम मानूं और खिदमत करना चाह रहा हूं। ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बहुत हो गया है। इसी वजह से तो मैं आज इस पॉलिटिक्स में आने का मेरा मेन मकसद ये है कि हम एकजहती चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं, सिर्फ हमें तरक्की और डेवलपमेंट की हटके हम कोई बात नहीं करेंगे, भड़काऊ भाषण नहीं करेंगे। और एक लड़का आ गया सामने, वो कह रहा है कि आप जाइए यहाँ से। मैं बोला क्यों, तो बोले MIM का एरिया है। आप कौन है? मैं MIM वाला हूँ। ओके ठीक है, आप MIM के वर्कर हैं, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूँगा, मैं इस वजह से अपना काम करूँगा, ये हमारी जमहूरियत है, मेरा को प्रचार करने का पूरा हक है
और मैं कहीं भी किसी एरिया को उनका इनका एरिया नहीं, जहां ईसा मिस्री चले गया वो उसी का एरिया कहलाएगा, उसे साइड किया और मैं आगे बढ़ा। बस मैं ये सोच रहा था कि वहां के लोग भी शायद इसी तरीके से मुझसे नफरत करेंगे, शायद बढ़ा देंगे, मगर वहां से जैसे ही उसके चार कदम भी नहीं बढ़ा, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे दुआएं दिए और वादा दिए कि आप ही को वोट देंगे। तो सारी कॉलोनी वाले मुझे वोट देने का वादा किए, तो मैं शॉक हो गया। एक बेकार का आदमी बीच में आके अपने आप को MIM का नाम देते हुए, उसकी वीडियोग्राफी भी की है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे, मगर ये कामों से कुछ होने वाला नहीं। आपके भाई को अब कोई रोक नहीं सकता, इंशाल्लाह आपका भाई अब जब तक रिजल्ट 11 के दिन जीत का रिजल्ट नहीं आया तक वो खामोश नहीं बैठेगा, उसके बाद जो वादे किया है 100% पूरा करेगा, ईमानदारी से पूरा करेगा। अरे आपके पास इतने कॉन्शियस थे तो आप चंद्रयान गुट्टा सिर्फ चूज करने की वजह क्या है? मैं चंद्रयान गुट्टा इस वजह से चूज किया है, मेरा बिजनेस वहाँ है, मेरा मकान वहाँ पे है, मैं उसी जगह का नागरिक हूँ, मैं वहीं पैदा हुआ, मेरा ननियाल है वहाँ पे, मैं वहाँ पे देने के मेरी 49 एज हो गई, मैं वहाँ पे पैदा हुआ, जब से मैं वहाँ रहता हूँ, इसीलिए वो चूज किया। नहीं, आपकी वजह क्या है जो आप कांग्रेस में ही ज्वाइन क्यों हुए, जाके TRS है, जैसे MBT है, ताकि बहुत है पार्टी से, आपकी वजह क्या है कि जो आप सिर्फ कांग्रेस में ही ज्वाइन हुए, आप MIM में का भी साथ दे सकते थे? इसमें सबसे बड़ी वजह बताता हूँ, नेशनल पार्टी है और अब आने वाली यहाँ तेलंगाना में नेशनल पार्टी हमारी कांग्रेस ही है। अगर मैं कांग्रेस का कैंडिडेट चुना जाता हूँ तो मेरे एरिया और मेरी पार्टी सेकुलर है, उस पार्टी के अंदर जाने का मेरा मेन मकसद ये है कि अब सेकुलर पार्टी है और सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेके चलती है। देखिए कांग्रेस की एक बात मुझे बहुत पसंद आई, वो लोग कहते हैं ईसा मिश्री अब हमारी फैमिली मेंबर हो गए, उसके अंदर जो है ना गुलाम नबी आजाद है, उसके अंदर अहमद पटेल है, उसके अंदर ऐसे कई नाम बता सकता हूँ, मोहम्मद अली शब्बीर है, और ऐसे कई मुस्लिम कैंडिडेट है, सोहेल अब्दुल्ला है, अजीम है, ऐसे कई लोग हैं जो उसके अंदर उस फैमिली का हिस्सा है, और कई हिंदू भाई है जो उस फैमिली का हिस्सा है, कई क्रिश्चियन भाई है इस फैमिली का हिस्सा है, कई सिख भाई है इस फैमिली का हिस्सा है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर भी है हमारे सिख भाई। तो एक सेकुलर पार्टी है, इसके अंदर कोई मजहब की वैल्यू नहीं है, सिर्फ वहां पे इंसानियत का काम किया जाएगा, इंसानों के डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, इस वजह से मैं कांग्रेस पार्टी चूज किया हूं। और इस हलके के अंदर जो पार्टी आप नाम ले रहे हैं लास्ट का, वो पार्टी के साथ MLA मिलके जो काम नहीं कर सकते ना, अगर वो हमारी कांग्रेस यहाँ पे तेलंगाना में जरूर हुकूमत बनाएगी, आपका एक MLA वो 7 MLA के ऊपर काम करेगा, ये लोग पार्टी के बाहर रह के दोस्ताने का हाथ बढ़ाएंगे, मैं उस पार्टी का हिस्सा रहूंगा और ताले की चाबी मेरे जेब में रहेगी, जब मैं चाहूंगा वहां से लूंगा और मेरे एरिया को डेवलप करूंगा, दिल से मोहब्बत से और लोगों की दुआओं से। आप देखेंगे 5 साल के अंदर ये चंद्रयान गुट्टा इंशाल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ कि एरिया में आने के बाद लोग बोलेंगे कि ये एरिया है या कोई दूसरे एरिया में आ गए, आप देखेंगे हम उसके अंदर हमारे सिर्फ 8 घंटे उसके अंदर देंगे हम, यानी कि 24 घंटे तो हमारी सर्विस रहेगी, मगर जैसे एक ऑफिस का काम होता है, बिजनेस का काम होता है, उस तरीके से हम अपने इस काम में हिस्सा लेंगे। यहाँ पे हमारी सिर्फ किन चीजों पर नजर होगी, बच्चों को पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल डाल के पढ़ाएंगे, ये नहीं कि एक एक घर से एक एक बच्चा, दो बच्चे नहीं, सरकारी स्कूल डालेंगे, बस्ती हॉस्पिटल डालेंगे, 24 घंटे हमारा स्टाफ काम करेगा, उसके साथ साथ हम यहाँ पे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके पास दवा पानी, यानी कि जैसे ज़ईफ हो जाते हैं, बेटे छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे कुछ कई ऐसे खवातीन घरों में रहते हैं, उनके लिए हम फ्री इलाज, फ्री मेडिसिन और उनको पॉकेट मनी देंगे, ताकि उनका हर महीना खर्च होगा, खर्च हम देंगे इंशाल्लाह। वो और माइनॉरिटी के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं आप, जैसे माइनॉरिटी बच्ची गरीबों की शादी के लिए सब जो इसकी बात, अब ये लोग जो TRS फेल हुई है उसको हम फिर से चालू करेंगे और उसे कामयाबी की तरफ ले जाएंगे, जैसे वो लोग डबल बेडरूम बना के छोड़ दिए हैं, मगर हम वो डबल बेडरूम हमारे चंद्रयान गुट्टे हल्के में कई डबल बेडरूम के घर खाली पड़े हैं, हम वो डबल बेडरूम जैसे हमारी हुकूमत आएगी यहाँ के मुकामी लोगों को ईमानदारी से उनके बीच में तकसीम करेंगे जो जरूरतमंद है। अकबर साहब का कहना है कि मैं 20 साल रह के मैं बहुत कुछ डेवलपमेंट किया हूँ, आप ऐसा अगर आप इसमें और क्या तब्दील करना चाह रहे हैं जो आवाम को बहुत सहूलत हो? पहले आप देखकर माशा आप भी इसी हल्के से ताल्लुक रखते होंगे,
चंद्रायन गुट्टे से बारकस रोड देख लीजिए, 7 साल से आधी रोड पे चल रहे हैं लोग। अगर डेवलपमेंट होता तो फिर मैं क्यों आके आपके सामने वोट मांगता। जाइए गौस नगर में, जाइए मोहम्मद नगर में, वहां पे पानी के बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। लोग जो है बैरलों में पानी भर के रख रहे हैं। अगर वहां पानी की सहूलत अगर होती तो फिर क्या था। और वहाँ रोड नहीं है, देखिए मेरे कई विजुअल्स है, रोड ही नहीं है। मैं पहाड़ों पे चढ़ के लोगों से मिल रहा हूँ, क्या बंजारा हिल में रोड पड़ गई है, हमारे पास क्यों नहीं रोड पड़ी। डेवलपमेंट के नाम पे धोखा है। और एक चीज बताना चाहता हूँ, आवाम को उछार करना चाहता हूँ, मशीनें यानी कि करंट की जो है ना, आपको पोस्टपेड, जैसे हमारे पास पोस्टपेड फोन चल रहा है, प्रीपेड जो अपने टेलीफोन फोन चल रहे हैं ना, सेम उसी तरीके से लाइट के मीटर आने वाले हैं। इलेक्शन के लिए रोक दिया गया है, आके रेडी रखे हैं। जैसे इलेक्शन खत्म होगा आपको प्रीपेड मीटर्स लगा दिया जाएगा, ये मीटर्स निकालेंगे, आप जितने पैसे डालेंगे उतना करंट चलेगा। अगर हमारी हुकूमत आएगी तो जैसे करंट के मीटर जो जहां रखे हैं वो वैसे रखे रखे सड़ेंगे, हम नहीं लगाने देंगे। हम हमारी आवाम की सहूलत तरक्की के लिए काम करेंगे। देखिए इलेक्शन आने की वजह से वो रोक के रखे हैं, अगर इलेक्शन लेट रहता तो शायद लग भी जाते। पेपर उठा के देखिए तो ये सब धोखे के काम हम नहीं करेंगे। सिर्फ हमारा मकसद तरक्की 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 और चेंज के साथ तरक्की भी आएगी। नो मोटी पार्लियामेंटेरियन दरबारी अंजियाला, नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। तू काला करप्टों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, आईपीटी आई रे। बजट आके वापस जा रहा, मगर काम कराने की फुर्सत नहीं। अब कि हम आए, एक बार हमारे को मौका दीजिए, कांग्रेस वोट दीजिए, हम बराबर। ये जो काम है ना, ये जो रोड का, इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द, हम जितने ही आपके पास आएंगे, ये वीडियो रिकॉर्ड रखिए, यहाँ का ये काम रिकॉर्ड रखिए, फौरन हम आके रोड को वहाँ से ये कम्प्लीट करेंगे। यहाँ से चलिए हमारा ख्वाबों का मेरा आशियाना, खूब सजा हकीकत बना। मल्लिका फर्नीचर फारूक अशरफ के साथ नए दौर में बदलता अंदाज, फर्नीचर जो चले नस्ल दर नस्ल। हैदराबाद का शानदार पायदार मल्लिका फर्नीचर, शहर हैदराबाद में पहली बार मल्लिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ। गोदरेज की हैवी डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है, जल्दी करिए। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, मोगलपुरा, हैदराबाद।